आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, अब हर भारतीय कह रहा है मैं चौकीदार हूं, नामुमकिन अब मुमकिन है के बाद नया नारा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा दिग्विजय सिंह कठिन सीट से लड़े चुनाव, अपने काम के दम पर मांगेंगे वोट। बीजेपी में बैठकों का दौर, नेताओं ने रिश्तेदारों के लिए मांगे टिकट। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ सरकार पर वार, कहा ट्रांसफर पोस्टिंग वाली है सरकार। और शराब दुकान नहीं हटी तो महिलाओं ने की दुकान में तोड़फोड़, ग्रामीणों ने किया हंगामा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मोदी है तो मुमकिन है नारे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि अब हर भारतीय कह रहा है कि मैं चौकीदार हूं। मोदी ने लिखा, आपका चौकीदार स्थिर खड़ा होकर देश की सेवा कर रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। जहां इन दलों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की होड़ लगी हुई है, वहीं चुनाव नारे भी तैयार हो रहे हैं। इस काम में भाजपा ने अब तक विपक्षी दलों को पीछे छोड़ रखा है। नामुमकिन अब मुमकिन है के नारे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आज हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आपका चौकीदार स्थिर खड़ा होकर देश की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हर वो शख्स जो भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है। हर वो शख्स जो देश के विकास के लिए काम कर रहा है वो चौकीदार है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि 84 दिन के कामकाज को लेकर ही हम जनता से लोकसभा चुनाव में वोट मांगेंगे। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी इसे लेकर कमलनाथ ने कहा कि 22 से 23 सीटें जीतने की हमें उम्मीद है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को उम्मीद है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टिकट वितरण 4-5 दिनों में कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि वे जहां से चुनाव लड़ना चाहें वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मैंने उनसे कहा है कि वह सबसे कठिन सीट का चुनाव करें। ऐसी सीट जहां से पार्टी हार रही हो, उन कठिन सीट में से ही किसी सीट का चुनाव कर लें। कमलनाथ ने कहा कि 84 दिनों के कामकाज को लेकर ही हम जनता से लोकसभा चुनाव में वोट मांगेंगे। अधिक से कम 22-23 सीटों की हमारी उम्मीद है। कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे और उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से नहीं जीते वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी पर कहा कि अब तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 लाख किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। इसे लेकर भी लोग देखेंगे कि हमने अपना वचन पूरी तरह निभाया। इसे लेकर कभी किसी भी प्रकार से संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए। हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है, जहां परिवारवाद का मुद्दा हावी रहा। सारे दिग्गज नेता अपने बेटा बेटी भाई भतीजों के लिए लोकसभा टिकट मांगते हुए नजर आए। पार्टी कार्यालय में आकर सार्वजनिक बयान भी इन नेताओं ने दिए और ये तक कहा कि किसान का बेटा किसान बनेगा, राजनेता का बेटा राजनीति करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लोगों से बातचीत के लिए दिग्गजों के 5 समूह बनाए थे, जिन्होंने सभी के साथ पहले सामूहिक बातचीत की, फिर अलग अलग राय जानी। रायशुमारी की तर्ज पर पार्टी नेताओं ने मौजूदा सांसद के बारे में फीडबैक लिया, साथ ही खुद को छोड़कर टिकट के 3-3 दावेदारों के नाम भी पूछे। शुक्रवार को ही बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई। इसमें तय किया गया कि सर्वे में आए नाम और समूहों में आए नाम के आधार पर पैनल तैयार कर लिया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि किसान का बेटा किसानी करता है, अधिकारी का बेटा सरकारी नौकरी करता है, सेठ का बेटा व्यापार करता है,
तो राजनेता के बेटे को क्या भीख मांगना चाहिए? उन्होंने कहा कि नेता के जो लायक बेटे बेटी होंगे उन्हें टिकट मिलेगा। दावेदार जताना सभी का अधिकार है, बेटा हो भाई हो या हमारा आम कार्यकर्ता हो, सभी का अधिकार है। फिर पार्टी जिसको टिकट देगी वह सभी के लिए स्वीकार्य होता है। बेटा भी 14 वर्षों से मेरी सहायता भी कर रहा है, राज्य की राजनीति भी कर रहा है, यहाँ युवा मोर्चे में प्रदेश के पदों पर महामंत्री उपाध्यक्ष पदों पर वह लगातार 10 वर्षों से है, तो सभी को अधिकार है टिकट मांगने का। और मैं ये जहाँ तक मान के चलता हूँ कि किसी के संबंधों के कारण किसी को टिकट से वंचित नहीं करना चाहिए या किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यदि वो अफोर्ड करता है या एलिजिबल है इसके लिए तो फिर उसके लिए मिलना। पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा क्षेत्रों के नीचे कर संजय अपने प्रमुख पदाधिकारियों को, प्रमुख नेताओं को हम लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे इस दृष्टि से बुलाया हाथ से पकड़ ले। और उसमें आज जो प्रमुख सारे नेता उपस्थित हैं ये लोकसभा के अनुसार उन सीटों को जीतने के लिए अभी तक हमने कौन कौन से कार्य कर लिए हैं और आने वाले समय में क्या क्या कार्य किया जाना है, और उसके अलावा लोकसभा के प्रबंधन की दृष्टि से कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई रायशुमारी नहीं है। हम आज जैसा मैंने आपसे कहा लोकसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से प्रबंधन के लिए जो कार्य आवश्यक है उनके लिए हमने तय किया है लोकसभा स्तर से कार्यकर्ताओं को बुलाकर बातचीत करना। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार सभी 29 सीटों का टारगेट सेट किया गया है। गुना और छिंदवाड़ा पर भी मजबूत दावेदारी होगी और दोनों सीटें जीत कर आएंगे। नेताओं के बेटा बेटी को टिकट देने का फैसला पार्टी को करना है। यही कारण है कि जामल भाजपा की बैठक में अपने भाई को होशंगाबाद शिफ्ट करने की बात रखने पहुंचे। पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने अपनी बेटी मौसम के लिए टिकट मांगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा भाजपा पार्टी लोकसभा के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव की दृष्टि से बार बार बैठना, फीडबैक लेना, यह चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। चुनाव की दृष्टि से बार बार बैठना, चर्चा करना, नीचे का फीडबैक लेना, मैडम बैठ रही है, यह चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में रहना आवश्यक है और इसी क्रम में आज की यह बैठकें बुलाई गई हैं। विभिन्न विषयों पर लोकसभा चुनाव के चर्चा होगी और उसके बाद आगे किस प्रकार के कार्यक्रम बने यह विषय आगे बढ़े, पहले करे या बाद में, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जीतेगा और पहले से अधिक सीटें लेकर जीतेंगे। बैठक लगातार होती रहेगी। चुनाव और बैठक पर्याय है, एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए इन्हीं बैठकों से भी बहुत सारी बातें निकलती और ऐसी बैठकों से ही निर्णय के कगार पे सब लोग पहुंचे। इसलिए अपनी तैयारी कैसी हो, कैमरा क्यों उठा रहा हो यार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगा, अधिक से अधिक सीटें कैसे मिलेंगी, इन सब तैयारियों की दृष्टि से भी बैठकें हो रही है। कांग्रेस की ऐसी कोई 3 महीने में मिराकल नहीं हुआ है और कोई जादूगरी का आग्रह नहीं था। सामने देख के विकलांग स्थिति में है वो, आज भी उनकी सरकार विकलांग सरकार है। बैठक में नेताओं ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव नाली सड़क का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश को बनाने और देश का विकास रोकने वालों के बीच में है। इसीलिए जरूरी है कि देश में फिर बीजेपी सत्ता में वापसी करे और इसके लिए मध्य प्रदेश से योग्यतम उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार को सिफर बताया है। उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग वाली ये सरकार ढोर चरवाने और बैंड बजवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया, युवाओं को ढोर चरवाने बैंड बजाने के अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस की जो सरकार है उसने ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ किया, यानी किसान को धोखे देने के अलावा, सांप से नौजवान से ढोर चरवाने के अलावा, बैंड बजवाने के अलावा कुछ नहीं किया। ट्रांसफर पोस्टिंग ने उलझ गए कमलनाथ की 3 निशानी, दिग्विजय, कक्कड़ और मिलानी।
ये तीन में उलझी रह गई। 2 लाख रुपया अगर कहीं किसी किसान का माफ हुआ हो तो वो आए, मैं उसको 2 लाख और अपनी ओर से दूंगा, मिला के दूंगा कि ये 2 लाख रुपये और लो। इन्होंने किसी का भी 2 लाख माफ़ नहीं किया। इन्होंने कहा था हर किसान का माफ़ होगा। एक सोसाइटी में किसी एक का बड़ा कर्जा कर दिया, बाकी सबको 5,000, 1,500, 2,000 ऐसे किया है। पूरे सहकारी सिस्टम को तबाह कर दिया। जो कर्जा था, मैंने विधानसभा में भी उठाया था उस समय, वो सरकार विभाग का ही पैसा किसान को लौटा दिया, जो उनका धारता था, जो उनकी अंश पूंजी थी, वही किसान को लौटा रहे हैं। सब मजाक कर रहे हैं प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा किसानों के पैसे से ही किसानों का कर्ज माफ किया गया, पूरे सहकारी सिस्टम को सरकार ने तबाह कर दिया, किसान के साथ सरकार ने मजाक किया, किसान ने अब मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी धोखा है, धक्का मारो मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक उसी तर्ज पर कमलनाथ सरकार भी काम कर रही है, लेकिन बैंड बजाने की ट्रेनिंग और ढोर चराने की ट्रेनिंग को लेकर कमलनाथ सरकार विवादों से घिर गई है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। यह कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण 27% करने पर कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार का आभार व्यक्त किया है। अब इस काम के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ का अभिनंदन करेगी। कमलनाथ सरकार के ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ का आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए यह दांव खेला है। पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और विधायकों ने कमलनाथ के इस फैसले पर कमलनाथ का अभिनंदन करने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि समूचा पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी का हिस्सा है और 27% आरक्षण करने पर पिछड़े वर्ग ने कमलनाथ का आभार माना है। देखिए, जैसा आप ये भी पूछ सकते हैं कि कृषि के ऋण माफी की जल्दी क्यों थी, 51,000 रुपए कन्या विवाह में देने की जल्दी क्यों थी, बिजली सबसे सस्ती उपलब्ध कराने की जल्दी क्यों थी, ये कांग्रेस सरकार है, काम करने वाली सरकार है। ये बीजेपी नहीं है जो 15 साल केवल घोषणाएं करे, या केंद्र की बीजेपी नहीं है जो झूले फेंके। मिला आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को समय की आवश्यकता थी, जिसमें आर्थिक आधार मुख्य रूप से रखा गया। जी, हमारे 8 मंत्री हमारे ओबीसी वर्ग के कैबिनेट मंत्री आज हमारे सरकार में, कांग्रेस में 25 विधायक हैं, तो 8 मंत्रियों को अवसर देना भी ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का एक नजरिया है कि वो किस तरह से ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। दो बातें कि आज 80 दिन की सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, क्या सरकार बनाने से पहले
कि आरक्षण एक बार मिल गया और इसको फिर से बार बार मिलता है, ये मैं समझता हूँ संविधान के अनुरूप जो मूल भावना उसको चैलेंज करने वाली भाषा है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि संविधान के अनुरूप लड़ाई को उसका भी अवसर दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन होने की खबरें आती हैं। ताज़ा खबर जबलपुर से है, महिलाएं शराब की दुकान हटाने के लिए सड़कों पर आ गईं। महिलाओं ने शराब दुकान में तोड़फोड़ कर हंगामा किया। ये मामला जबलपुर के पिपरिया गांव का है। बेलखेड़ा थाना के पिपरिया कला ग्राम में आक्रोशित ग्रामीणों ने देसी शराब की दुकान न हटाए जाने से नाराज होकर जाम कर हंगामा किया। अचानक ही गांव की महिलाएं देसी शराब दुकान के पास पहुंची और दुकान में घुसकर पहले तो शराब की पेटियों को बाहर निकाला और फिर शराब की बोतलों को सड़क पर फोड़ दिया। इधर विवाद की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, वैसे ही बेलखेड़ा थाना पुलिस का बल भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने में जुट गया। जानकारी के मुताबिक पिपरिया कला में जो देसी शराब दुकान है उससे ही लगा शासकीय माध्यमिक स्कूल भी है, लिहाजा स्कूल के पास से शराब दुकान हटाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर से शिकायत के बाद भी जब शराब दुकान नहीं हटी तो आज पिपरिया कला के ग्रामीण और महिलाएं देसी शराब दुकान पहुंचे और दुकान में तोड़फोड़ की। वहां पर सरकारी जो ठेके की दुकान है उस पर ग्रामीण लोगों का सरकार की जो पॉलिसी के तहत गांव में दुकान खुली हुई, वहाँ स्कूल वगैरह है, तो उसको लेकर के ग्रामीण महिलाएं वहाँ विरोध कर रही हैं। उसी तारतम्य में उनके द्वारा ज्ञापन यापन भी दिए गए हैं और आज मॉर्निंग में दुकान खुल रही थी तब उस समय महिलाएं को विरोध करने के लिए पहुंची थी। उसके जो दुकान के गद्दीदार हैं उनके द्वारा उनके विरुद्ध जो है शिकायत की गई है, शिकायत में संज्ञान लेते हुए पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस हंगामे के बाद शराब दुकान संचालक का आरोप है कि दुकान में रखे पैसे भी ग्रामीणों ने लूट लिए। फिलहाल विवाद के बाद दुकान के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए विवाद करने वालों की पहचान भी की जा रही है। खबर बड़वानी से, एक बस को जैसे ही बस चालक ने स्टार्ट किया उसमें आग लग गई और आग ने बेकाबू होकर पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस बर्मन कंपनी की बताई जा रही है। शहर के महेंद्र टॉकीज परिसर में खड़ी एक बस को ड्राइवर ने जैसे ही स्टार्ट किया उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड जब तक मौके पर पहुंची तब तक पूरी तरह बस जल चुकी थी। माना जा रहा है कि स्टार्ट करने के बाद बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है। बस स्टार्ट करने के 2 मिनट के अंदर ही टायर का हिस्सा छोड़कर पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। ड्राइवर राजाराम डावर ने बताया कि वर्मन कंपनी की बस है जिसका नंबर MP46P0703 है। इसका परमिट सुबह 8:30 बजे बड़वानी से सेंधवा जाने का था। बस में लगी आग की लपेट इतनी ऊंची थी कि ऊपर से जा रही विद्युत केबल भी आग की चपेट में आकर जल गई। सड़क हादसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 4 लोग इस हादसे का शिकार हुए। घटना बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र की है जहाँ ये सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कार अचानक अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी। भोपाल से छतरपुर लौट रहे बीजेपी पार्षद विनय पटेरिया की कार सिक्कू नदी की खाई में अनियंत्रित होकर जा गिरी। बीजेपी पार्षद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मणिकांत चौरसिया सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल कार्यालय मंत्री सुरेश पटेल को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। गाड़ी का नंबर पता किया, गाड़ी का नंबर पता जब हमने बताया तो उसको सर्च करने के बाद ये पाया कि ये गाड़ी विनय पटेरिया जो पार्षद हैं छतरपुर के वार्ड नंबर से, उनकी गाड़ी है और 4 हमारे युवा मोर्चा के नेता भोपाल से आ रहे थे छतरपुर, तो गाड़ी एक नदी में खाई में गिर गई है। उससे 4 लड़के घायल हुए हैं। तत्काल उनके घर वालों को खबर देने के बाद हम लोग यहाँ अस्पताल आए और यहाँ पर उनका इलाज जारी है और 4 जो हमारे युवा नेता हैं वो खतरे से खाली हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान के बराबर होता है और अगर डॉक्टर ही लापरवाही करने लगे तो फिर मरीज का तो भगवान ही मालिक है। नरसिंहपुर में ऐसा ही वाकया देखने को मिला जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची की मौत हो गई और डॉक्टर हैं कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। मामला नरसिंहपुर का है जहां करेली निवासी जैन दंपति ने निकरा नर्सिंग होम में ऑपरेशन के द्वारा बच्ची को जन्म दिया, पर ठीक से सांस ना लेने के चलते आशीष हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष उपाध्याय बच्ची की जांच के लिए आए। जांच के बाद डॉक्टर आशीष ने उस मासूम को अपने अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचवाया और वहां भी इलाज के बाद जब हालात बिगड़ने लगे तो डॉक्टर ने आनन फानन में उसे जबलपुर रेफर कर दिया। लापरवाही की हद तो
तब हुई जब डॉक्टर ने जिस एम्बुलेंस रेफर किया उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर ही खाली था और रास्ते में मासूम बच्ची ने ऑक्सीजन ना मिल पाने से दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने नेकरा हॉस्पिटल में हंगामा किया और डॉक्टर आशीष उपाध्याय पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया। आशीष उपाध्याय आशीष हॉस्पिटल में उन्होंने रेफर किया, वो आए उन्होंने बोला वहाँ पे ले आओ और वहाँ पे उन्होंने रखा मेरे से 5 से 10 हज़ार रुपये भी ले लिए। उन्होंने बोला 24 घंटे रखेंगे उसके बाद अपन देखते हैं कि और कितने दिन रखना पड़ेगा। फिर बोलने लगे 4 घंटे रखेंगे, फिर बोलने लगे आप ले जाइए यहाँ से। उन्होंने इतनी जल्दी में उसको भेजा ना उसके लिए ऑक्सीजन की इंटरनली कोई व्यवस्था करी ना कोई भी व्यवस्था नहीं, और ऐसी एम्बुलेंस बुलवाई उसमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली। गले में नालपसी हो सकती है बच्चे को, हो सकता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो रही हो। पहले सोनोग्राफी में आप बता सकते थे कि उसको नाल फंसी हुई है? नहीं, नाल फंसी हुई बताई थी, पर बच्चा घूमता रहता है, पहले सोनोग्राफी में हो या आखिरी में हो ये अपन नहीं कह सकते। नाल वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उसकी चूंकि सडन ऑनसेट ऑफ अचानक से धड़कन बिगड़ने लगी इसलिए अपन ने किया। अब एग्जैक्ट रीजन कि क्यों ऐसा हुआ या बच्चे क्यों सर्टिफाई हुए, 7 महीने की बच्ची भी आराम से 2 घंटे ट्रेवल कर लेती है, ऐसा नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं यही प्रॉब्लम थी इस कारण। कुल मिलाकर अभी आप भी श्योर नहीं है कि उसकी मौत हुई कैसे? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते आपको कॉज ऑफ डेथ। इस तरह के हादसे आए दिन पेश आते हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर कुछ सीखना चाहते हैं ना अपनी गलती मानने को तैयार हैं, और मजबूर व्यक्ति जगह जगह सिर्फ शिकायतें करता है और उसके हिस्से में आश्वासन आते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। यह कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में एक जर्जर मकान को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस मकान में रह रहे लोगों ने नगर निगम की टीम से जमकर विवाद किया। रावजी बाजार इलाके के इस जीर्ण शीर्ण मकान को हटाने के लिए जैसे ही निगम के कर्मचारी आगे बढ़े, मकान में रह रहे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहां के रहवासियों और निगम के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। बाद में निगम के अधिकारियों की समझाइश पर लोगों ने घर खाली करना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक घर बहुत पुराना है और यह गिरने की स्थिति में है, जिससे इसमें रहने वालों की जान को भी खतरा बना हुआ है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने पर जोर दिया गया। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रीवा कलेक्ट्रेट में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं बाजार की गड़बड़ियों और सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध व्यक्त करना था। 15 मार्च को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के उपभोक्ता फोरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अधिक जागरूकता
उपभोक्ता फोरम में जाने के बजाय हमें अगर दुकानदार ही ये पता हो कि हमारे क्या अधिकार हैं और उसके लिए दुकानदार और ग्राहक दोनों जागरूक हों तो मेरे ख्याल से फोरम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पर ये मामले अपने आप सुलझा लिए जाएंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों ने उपभोक्ता मेलों का आयोजन करना, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी है इसलिए बहुत ज़्यादा इस सब पर कार्यवाही नहीं हो सकती मुझे लगता है। और जो समूहों की उपभोक्ता की चर्चा में उभर के सामने आया उसको समाधान करेंगे करेंगे मैडम। इंजीनियर श्री आनंद मिश्रा जी ने, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन रीवा के प्रांतीय महामंत्री हैं, इन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। आपका एक सबसे अच्छा विषय ये रहा पर्यावरण की सजगता के बारे में उन्होंने यहाँ चर्चा की है। हालांकि विषय से थोड़ा सा हट करके था, लेकिन उनका कहना यह था कि आदमी की वाणी से तो आदमी समस्या पता देता है, वो जो पर्यावरण में मुख पौधे हैं उनकी कोई चिंता करता नहीं है। और एक नया विचार, नया कंसेप्ट उन्होंने हमारे बीच में रखा है। आरवी सिंह साहब ने उपभोक्ता न्यायालय में लोगों को न्याय मिल जाने की बात तो कही है, लेकिन ये भी कहा है कि कितने सारे लोग जो है न्यायालय तक पहुंच पाते हैं। हमको कहीं ना कहीं अपने संगठन के माध्यम से, कहीं ना कहीं हमको अपने विचारों से, कहीं ना कहीं लोगों से चर्चा परिचर्चा करके, जोड़ करके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो अपने उनका हिस्सा संरक्षण हो सके, उनका कहीं कोई शोषण ना हो जाए। उपभोक्ताओं के लिए सबसे पहले है उपभोक्ता को हम संगठनात्मक रूप से अपनी जागरूकता का प्रचार कार्य करें, जैसा कि शासन का निर्देश है कि पहले आम जनता को जो उपभोक्ता है उसको हम जागरूक करें। जागरूक करने के पश्चात वो अपने अधिकारों से जहां पीड़ित हैं उनको हम समझाएं, फिर इसके बाद जब वो कुछ समझदार हो जाए तो उनको हम अपने संगठन के मंच के माध्यम से या कमेटी के माध्यम से या डायरेक्ट अपने स्वयं आवेदनों से हम उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाते हैं। प्रबुद्ध उपभोक्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में किस्मत के बदले असमत का मामला सामने आया है, जहां शासकीय कॉलेज के अतिथि शिक्षक ने छात्रा को पास कराने के एवज में उसकी असमत लूट ली और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। शासकीय कॉलेज के अतिथि शिक्षक के उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने अपने परिवार के साथ जाकर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक मामला जुलाई 2018 का है, जब एक परीक्षा के दौरान दोनों की मुलाकात शासकीय कॉलेज में हुई। आरोपी संदीप मेहरा ने छात्रा को पास कराने का भरोसा दिलाया, इसी बहाने गाडरवारा के नीलकंठ होटल में बुलाकर छात्रा की आबरू लूट ली और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। गाडरवारा शहर की नीलकंठ होटल की कमरा नंबर 207 में ये दिनांक 26/9 को ये घटना घटी है, जहाँ पर कि उसके साथ उसको कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करके बलात्कार की घटना घटी। संदीप मेहरा नाम की व्यक्ति है जो कि पढ़ाने का काम करती है और अतिथि शिक्षक के रूप में उनकी उनको परिभाषित किया। वीडियो का कितनी बात नज़दीक की जाएगी और उसको आईटी एक्ट की धारा भी पड़ेगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अतिथि शिक्षक के बारे में भी कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को पुख्ता जानकारी नहीं दी है, यही वजह रही कि आरोपी फरार हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जाने के साथ ही हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे बहरन समाचार। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। और भैया चुनाव की घोषणा हो गई है और नेता तो ऐसे बहरन लगे हैं। बता रहा हूं, कल एक नेताजी रात में ही ना उठ के अपने पत्नी के पैर छूने लगे, बोले वोट दो। रात में ये होने लगा है, बता रहे हैं ऐसे बहराने लगे नेता। एक भाई साहब उठ के ना रात में भाग लिए, वो वहाँ पहुँच गए अपनी पार्टी कार्यालय, बोले टिकट दो टिकट दो। नींद में ऐसे घूमते हुए बता रहे हो, ये ऐसे ऐसे बहराल लगे ये लोग। हाँ, ये होने वाला है। और बता रहे हो, जो मांगना है मांग लो इनसे, इस समय अब चुनाव आ गया है, जो मांगना है मांग लो। दारू की बोतलें जितनी मांगना है, जो पैसा वगैरह मांगना है, जो लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अभी ये दे देंगे फिर बाद में पकड़ में नहीं आए। और बता रहे हो, चुनाव है ना ये 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव चरणों में क्यों होता है ये पता है तुम्हें? चरणों मतलब होता है कि पहले ये आएंगे तुम्हारे चरण छुएंगे, वोट दो वोट दो दो, है ना। उसके बाद क्या है, जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर तुम इनके चरण ढूंढते फिरना। हाँ, फिर इनके चरण नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भैया अभी कुछ दिन पहले एक बेहतरीन किस्म का कांड हुआ, जूता कांड मालूम है। वो सांसद महोदय ने 4 सेकंड या 5 सेकंड में 7 बार जूते ढबा ढब मार दिए विधायक को। तो ये तो चल रहा है, बता रही हूँ। वो उसमें क्या है, मोदी जी का कहना है, मित्रों
हमने जूते को मजबूत किया है, जूता मजबूत होगा तो बूथ भी मजबूत होगा, बूथ की जगह बोट मजबूत हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बताओ ना, जूते की फैक्ट्रियां खुलेंगे, नया स्टार्टअप होगा, मजबूत जूते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा? इस पर राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये सरासर अन्याय है भैया, केवल जूते मारे उन्होंने, चप्पलें भी मारना चाहिए था भैया, ये अन्याय है चप्पलों के साथ। हाँ भैया, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पलों को भी महत्व देना चाहिए भैया। ये तो जल लिया है भैया, और मैं बता रहा हूँ, ये जो चुनाव में खड़े होंगे नेता, इनको अपना है ना आपराधिक रिकॉर्ड इन्हें देना पड़ेगा, 3 विज्ञापन देने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ 3 विज्ञापन होगा क्या? इनके भैया अपराधों के रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, कई मर्डर किए हैं, कईयों ने कुछ किए है, ये तो इसे आसान थोड़ी है इतना। और एक समाचार ये सुन लो भैया, कमलनाथ सरकार युवाओं को है ना बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही है भैया, वो ट्रेनिंग सीख के बैंड बजाएंगे धपा धप पी 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 पी। और मैं बता रहा हूँ कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा बैंड वालों में, ये बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये जैसे इनको बैंड बजाना सिखा रहे हो, अभी आ रहे हैं चुनाव, अब देखते हैं किसका बैंड बजाती हैं, ये तो भाई ये चुनाव में पता लगेगा। हाँ, और ये खबर इधर भी देख लो, ये हार्दिक पटेल है ना जो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और मैं बता रहा हूँ ये पटेल वटेल इनके आरक्षण के लेके इतने आंदोलन किए, इनको इकट्ठा किया, पटेलों को मूर्ख बनाया, बता रहे अक्षर वाक्षर तो मिला नहीं उनको, ये तो है ना इनको है ना कांग्रेस में जगह मिल गई, इनको बनना था नेता और बन गए, और पटेल अटेल जाए भाड़ भी है, इनकी नेतागिरी चलेगी, ये तो ऐसा तो हो रहा है बता रहे हो, ये सब चल लिया है। और मैं भैया जा रहा हूँ, कोई पार्टी वार्टी देखता हूँ, चुनाव आ रही है, कोई सांसद वगैरह का टिकट मुझे ही मिल गया, क्या मैं यहीं बैठा रहूँगा? हाँ, वो आप लोग भी देखो, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।